जय हिंद दोस्तों, आज हम हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ड्राइंग बनाने वाले हैं बहुत ही आसानी से माय यू 3 की मदद से। देखिए किस तरह से, कागज़ पर पहले देख लेंगे कहां पर क्या निकालना है। अब सबसे पहले हमें बड़ा सा उल्टा यू निकालना है कुछ इस तरह से। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए, बहुत ही सुंदर सा ये ड्राइंग होने वाला है। देखिए उल्टा सा बड़ा सा यू हमने इस तरह से निकाल दिया। अब हम लेंगे वाई का शेप, वो भी हमें उल्टा निकालना है, बिल्कुल यू के बीचों बीच से कुछ इस तरह से उल्टा वाई हमें निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अब हमें फिर से वाई का शेप लेना है, यू के दोनों कोनों पर अंदर की साइड मुड़ा हुआ। देखिए इस तरह से हमने यू के दोनों कोनों पर वाई का शेप ड्रा कर दिया। अब देखिए इसी के नीचे हमें यम का शेप लेना है, बिल्कुल वाई को लगते हुए हमें वो शेप निकालना है कुछ इस तरह से। दोनों वाई को वो यम टच होना चाहिए, देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिएगा, अब हम तीन का शेप लेंगे और जो ऊपर उल्टा वाई है उसके बीचों बीच हम निकालेंगे ताकि सरदार जी का नाक बन सके, देखिए कुछ इस तरह से। अब लेंगे हम तीन का शेप फिर से उनके कानों के लिए, इसका ऊपर का हिस्सा बड़ा और नीचे का हिस्सा छोटा होना चाहिए। इसी को उल्टा कर देंगे और थोड़ा चपटा कर देंगे तो उनका राइट साइड का कान बन जाएगा। देखिए अब जो वाई का शेप है बीच में, उसी के नीचे हमें यू का शेप कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है ताकि उनकी दाढ़ी वगैरह बन सके, उसी में हम उनका मुँह भी बनाने वाले हैं, देखिए कुछ इस तरह से। अब जो उनके कंधों पर हमेशा एक शॉल रहती थी वो उनकी पहचान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कंधों पर हमेशा एक शॉल रहती थी, तो वो हम दिखाएंगे तीन की मदद से, देखिए इस तरह से। अब देखिए हमने पूरे शेप निकाल दिए, हमने बड़ा सा उल्टा यू निकाला, बाद में वाई निकाला, फिर नीचे दो छोटे वाई निकाले, फिर यम निकाला, फिर अंदर से तीन निकाला और बाहर से भी तीन निकाले उनके कानों के लिए और शॉल के लिए भी तीन निकाले। पेंसिल का काम हो गया, बुलाते हैं मार्कर को। अब देखिए जो जो हिस्से हमें चाहिए वो हम आउटलाइन करेंगे। ये जो बड़ा सा उल्टा यू हमने निकाला है ये हमें पूरा चाहिए, तो उसे हम पूरा आउटलाइन करेंगे। और नीचे वाई का ये हिस्सा हमें चाहिए, अंदर का हिस्सा हम छोड़ देंगे, अंदर का हिस्सा हमें नहीं चाहिए दोनों वाई का। अब जो नीचे बड़ा सा यम हमने निकाला है वो भी हम आउटलाइन कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब जो कानों के लिए तीन बनाए थे वो भी हम आउटलाइन करेंगे, इधर वाला भी वो हमें पूरा चाहिए। अब जो उनके कानों के अंदर कुछ लाइंस वगैरह है वो भी हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब जो उनके कंधों पर शॉल है तीन नंबर से हमने बनाई है वो भी हम ड्रॉ कर लेंगे, और उस पर हम कुछ इस तरह से सिलवटें भी दिखा सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा यम के अंदर ही हम उनका कुर्ता और जो उन्होंने कोट पहना है वो भी निकालेंगे कुछ इस तरह से, ये बटन्स वगैरह देखिएगा। यहाँ पर उनके थोड़े से बाल थे कानों के ऊपर, देखिए। आपको ये ड्राइंग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए ये रह गया था, उनके ओटों के लिए भी हम तीन का शेप ऐसा लेटा हुआ बनाएंगे, इसी लेटे हुए तीन में से हम उनके ओट बनाएंगे कुछ इस तरह से, देखिए सुंदर से उनके ओट बन गए। ऊपर वाले तीन में से हम उनका नाक बनाएंगे कुछ इस तरह से, ऊपर वाले तीन का आधार लेते हुए हमने उनका नाक बना दिया आसानी से। और ये जो बड़ा सा वाई हमने निकाला था ऊपर से वो नीचे वाले यू से हम जोड़ देंगे। ऊपर वाला वाई हमें पूरा नहीं चाहिए, बस जितनी झुरिया वगैरह सिलवटें वगैरह हम दिखा सकते हैं उतने हमें दिखाना है। और ये जो यू का शेप है ये हमें इतना ही चाहिए, और नीचे उनके गले पर हम कुछ झुरिया वगैरह इस तरह से दिखा सकते हैं। अब देखिए उनकी आँखें कितना आसान है बनाना, ये चार पॉइंट ले लिए, उनकी आँखें बनाई। ध्यान रखिएगा उनकी राइट साइड वाली आँख थोड़ी बड़ी है और उसकी तुलना में लेफ्ट साइड वाली थोड़ी सी छोटी आँख है, यानी चपटी आँख है थोड़ी सी, और वो थोड़े बुजुर्ग हो गए थे तो ऐसा होता है। देखिए ये ऊपर से कुछ लाइंस वगैरह हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो झुर्रिया वगैरह भी हम दिखा सकते हैं। ज़्यादा झुर्रिया मत दिखाइएगा नहीं तो ड्राइंग हमारा ख़राब होता है।
और उनकी आईब्रोज अब वो बुज़ुर्ग हो गए थे, ज़्यादा तो नहीं हम दिखा सकते, थोड़े से हम कुछ इस तरह से बाल दिखा सकते हैं। ये कुछ और लाइंस वगैरह, ये उनके माथे पर भी कुछ झुर्रियाँ वगैरह हम दिखा सकते हैं। अब जो वर्ड्स हमने पेंसिल से लिखे थे वो हम इरेज कर देंगे और सुंदर तरीके से इस ड्राइंग को कलर करेंगे। आप भी शांति से आराम से इस ड्राइंग को बनाइएगा, मन लगाकर बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हुए सभी स्टेप आपको फॉलो करते होंगे, तभी आपका ये ड्राइंग सुंदर बनेगा। देखिए MY U3 यानी कि MY U3 से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, हमारे लोह पुरुष, उनका कितने आसानी से हम ड्राइंग बना सकते हैं। आप भी ज़रूर बनाकर देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।